नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरब सिविल सर्विस एकेडमी भोपाल के हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, हम देख रहे हैं कि नव वर्ष के दौरान 2024 के इसी जनवरी महीने में ही वैश्विक स्तर पर तीन बड़े ज्वालामुखियों का विस्फोट हुआ है। ठीक है, उनमें से एक महत्वपूर्ण जो है वो है इंडोनेशिया का लेबोटोबी ज्वालामुखी। लेबोटोबी ज्वालामुखी अपने आप एक ग्रुप है, अपने आप में आसपास के इलाकों का। इंडोनेशिया के पूर्वी क्षेत्र में आता है, फ्लूवर्स द्वीप पर यह स्थित है। इस ज्वालामुखी का जो विस्फोट हुआ वो हुआ 10 जनवरी को। लगभग 6000 मीटर ऊंचा ये ज्वालामुखी इसलिए चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि इंडोनेशिया की सरकार ने इसे पांचवी कैटेगरी में शामिल किया है। जब किसी ज्वालामुखी को पांचवी कैटेगरी में शामिल किया जाता है, इसका मतलब है कि उसका प्रभाव 2-2.5 किलोमीटर के इलाके में देखा जाएगा। यही कारण है कि 12,500 लोगों को वहां से पलायन कराना पड़ा, वहां से हटाना पड़ा इंडोनेशिया सरकार को। तो लेबोटोबी ज्वालामुखी के बारे में यही हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं कि ये कौन से देश में स्थित है, कौन से द्वीप पर स्थित है, फ्लूयर्स द्वीप पर स्थित है। और जैसा कि हम जानते हैं, ये वो ज्वालामुखी है जो हमारे रिंग ऑफ फायर, जो प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर बेल्ट है, उसके एक महत्वपूर्ण ज्वालामुखियों में से इसे गिना जाता है, जो हाल ही में अभी 10 जनवरी को ठीक है इसमें विस्फोटित हुआ है। इसके विस्फोट का जो धुआं था वो लगभग 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक देखा गया। यही कारण है कि इंडोनेशिया में जो एयर जोन है, फ्लाई जोन है, उनको बंद करना पड़ा। तो अभी हाल फिलहाल ये चर्चा में है और हाल फिलहाल अभी देखते हैं कि इसका असर और कहां तक देखने को मिलेगा। ऐसी ही और ही महत्वपूर्ण सूचनाओं के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए आरएम सिविल सर्विस एकेडमी भोपाल के हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को। धन्यवाद।